हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने आटो ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक पदाधिकारियों संघ की बैठक महासम्मेलन पर हुई चर्चा। वाराणसी में बनारस कोठी नदेसर पर राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन वाराणसी जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने जिले के समस्त पदाधिकारियों व आटो ब्लॉक अध्यक्ष व ब्लॉक पदाधिकारियों की आकस्मिक बैठक बुलाई गई। वाराणसी जिले में प्रधान महासम्मेलन करवाने की चर्चा हुई। प्रधानों का अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उस पर भी ऑटो ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह को अवगत कराया गया कि ब्लॉक कर्मचारियों व खंड विकास अधिकारी व सचिव प्रधानों के साथ मनमानी कर रहे हैं। जब इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से किया गया तो वह ताल मटोल करने लगे, जिससे आगे जाकर प्रधान पद से इस्तीफा देने की बात कई प्रधान जिला अध्यक्ष से कहे। सारी बात जिला अध्यक्ष ने सुनने के बाद यह निर्णय लिए कि जिलाधिकारी से ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की बात बतलाई जाएगी, उसके बाद जिलाधिकारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जिला के समस्त प्रधान आठों ब्लॉक पर क्रमवाइज प्रदर्शन करेंगे और जिले में मनरेगा जैसे कार्य बंद कर दिया जाएगा। प्रधान द्वारा कच्चा कार्य का 60+40 रेशियो पूर्ण कर देने के बाद मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा पक्का कार्य कराने पर रोक लगा दिया गया, जिससे मनरेगा लेबरों का भुगतान न होने के कारण मनरेगा लेबरों के घर दीपावली का त्यौहार भी नहीं मनाया गया, जिससे ग्राम प्रधानों में काफी आक्रोश है। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पक्का कार्य पर रोक नहीं हटाएं तो 25/11/2021 को जिला में मनरेगा का ग्राम प्रधानों द्वारा कार्य बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ब्लॉक अध्यक्षों ने कहा कि वाराणसी जिले में दिसंबर माह में लगातार प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों द्वारा प्रधानों का शोषण नहीं बंद हुआ तो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे, बैठक में इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सिंह, महामंत्री मधुबन यादव, उपाध्यक्ष बेचूराम चौहान, संचालक केशव प्रसाद, सेवापुरी ब्लॉक अध्यक्ष नितिन कुमार सिंह, सेवापुरी ब्लॉक उपाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, बड़ागांव ब्लॉक अध्यक्ष राजू तिवारी, हरहुआ ब्लॉक अध्यक्ष लालमन यादव, पिंडरा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील चौबे, चिरई गांव ब्लॉक अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष श्वेता राय, चोलापुर ब्लॉक अध्यक्ष रामसूरत यादव व समस्त ब्लॉक पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। इसी बात को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अपना समूह विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन आपने ये भी कहा है और प्रधान साहब को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी, चाहेंगे कि महामंत्री हमारे श्री मुकेश कुमार पटेल थे। ऊपर करा, ऊपर नीचे मत कर, मैं राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, यहाँ पे किस तरह की बैठक चल रही है और क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में जिला की समस्त पदाधिकारियों का और ब्लॉक के अध्यक्ष और ब्लॉक के समस्त पदाधिकारियों का बैठक बुलाया हो, क्योंकि प्रधानों के साथ हर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। अभी हमारे मुख्य विकास अधिकारी द्वारा के एक आदेश पारित किया गया कि समस्त गांव सभा में पक्के काम के कार्य का भुगतान न किया जाए। उसके विरोध में हम लोग सीडीओ से मिले थे, उसके बाद भी दीपावली के त्यौहार पे किसी भी प्रधान का पक्के काम का भुगतान नहीं हुआ, उसका विरोध मैंने पूरा किया। उसी पे मैं आकस्मिक एक बैठक आज बुलाया हूँ जिले के सभी समस्त पदाधिकारियों का, और जबकि इनका नियम है 60-40 रेशियो पक्के कार्य का पूर्ण करने के बाद इनको 40% पक्का काम दिया जाएगा। हमारे जितने भी प्रधान भाई हैं कार रेशियो पूर्ण किए थे, उसके बाद भी त्यौहार के समय में उनका भुगतान न करके घोर अन्याय किए हैं। मैं इन अधिकारियों का विरोध करूंगा और प्रधान संगठन के तरफ से आज बैठक जो बुलाई गई है, जिले में एक महारैली, महाप्रदर्शन, महासम्मेलन बहुत जल्द, जैसा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी बताएंगे, उसी तरीके से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से बात करूंगा। उसके बाद बहुत जल्द ही बनारस जिले में इन अधिकारियों का शोषण करना बंद करवा दूंगा, क्योंकि हमारे प्रधान साथी बता रहे हैं कि हम लोग लेखपाल, थानेदार और सचिव इनसे परेशान हैं।
तो इन सब के लिए संगठन बनी हुई है। जिस भी गांव सभा में इस तरीके का दिक्कत आएगी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते ये बता रहा हूं कि अपने ब्लॉक अध्यक्षों के सहयोग से समस्त ब्लॉक के आठों ब्लॉक के जिस भी ब्लॉक में दिक्कत आएगा, आठों ब्लॉक के प्रधान जाकर के वहां तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक उस गांव सभा का समस्या दूर नहीं होगा। बात की जाए 2022 नजदीक है, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो 2022 के चुनाव में क्या रणनीति आपकी होगी? प्रधान संघ यह निर्णय लेगा। 2022 में प्रधान संघ का कोई पार्टी नहीं है। जो प्रधान संघ के हित के बारे में बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। यदि प्रधान का आज के समय में 3500 मानदेय है, जो कि मैं 2010 से लड़ाई लड़ते लड़ते 700 से 3500 हुआ है, यदि इस बार हम लोग निर्णय लिए हैं कि यदि सरकार द्वारा या किसी भी पार्टी द्वारा ये कहा जाएगा कि मैं सरकार में आने के बाद 35,000 रुपया कम से कम करूंगा, तो मैं पूरे प्रधान संघ की तरफ से उनके साथ हूँ। मैं जिले का प्रवक्ता। किन किन समस्याओं से आज प्रधानों ने अवगत कराया? आज प्रधानों ने और सीडी नीचे करी लेखपाल के विषय में अवगत कराया, थानेदार के विषय में अवगत कराया, और सचिव महोदय जो कि एक सचिव 8-8 गांव लेकर के काम कर रहे हैं। कहीं किसी गांव में आते हैं, कहीं नहीं आते हैं, फोन होता है तो ब्लॉक को बुलाते हैं। इन तमाम समस्याओं को लेकर के आज प्रधान जिलाध्यक्ष के निर्देश पर आज बैठक यहाँ बुलाई गई है। तमाम प्रधानों ने समस्या रखी है, उसके समाधान के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं और जिले में एक महान रैली का आयोजन होगा जिस पर राज्य सरकार के विरोध में तमाम कठिनाइयों को देखते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।